नहीं, पर मीजल्स मम्स वही ना। हाँ, तो मिजल मम्स एंड रूबेला, मिजल्स मैम एंड रूबेला, ठीक है। तो ये तीनों जो था, ये तीनों वैक्सीन दिया। तो पहले क्या था ना कि जब हम लोग का वैक्सीनेशन हुआ था, तो उस समय इसको ना अपना वर्ल्ड वैक्सीनेशन प्रोग्राम में सबमिट नहीं किया गया था, मतलब इंक्लूड नहीं किया गया था। तो इसलिए हम लोगों को ये वैक्सीन नहीं मिला था। तो गवर्नमेंट को लगा कि अरे बहुत सारे लोग मम्स मिजल रूबेला से क्या हो रहा है, ग्रसित हो रहा है, तो वी हैव टू गिव द वैक्सीन ऑन दैट, ठीक है। तो वही रेबीज है, यू नो ना रेबीज, कोई भी एनिमल काटता है तो पीपल आर सफरिंग फ्रॉम रेबीज। रेबीज, तो उनको क्या हो जाता है, रेबीज हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज अ रेबीज, तो कोई भी कहीं काटने से। इसलिए क्या होता है, अगर कोई भी काटता है, मतलब डॉग बाइट हो, रैट बाइट हो, कैट बाइट हो, कोई भी बाइट हो, तो वी शुड गो फॉर वॉट, एंटी रेबीज इंजेक्शन। तो इंजेक्ट पता है अभी कैसे लगता है, 0, 1, पूरे के पूरे 5 लगते हैं, 0, 3, 7, 14, 28 ऐसे डे पे लगते हैं, ठीक है, रेबीज का इंजेक्शन। और फिर क्या होता है कि अगर आप देखोगे तो देयर आर टू काइंड्स और टू टाइप्स ऑफ ये। तो अभी जो डॉग होते हैं, नॉर्मल डॉग ने आपको काट लिया, तो नॉर्मल डॉग ने काट लिया, आप गया गया हॉस्पिटल में, तो नॉर्मल डॉग अगर बाइट किया हुआ है, तो वी हैव टू टेक रेबेक्स करके एक इंजेक्शन आता है, रेबी एंटीबॉडीज करके। तो वो हम लोग 5 वैक्सीन लेते हैं। लेकिन अगर किसी को पागल कुत्ते ने काट लिया है, पागल कुत्ते ने काट लिया है, तो अपने को तो दूसरा इंजेक्शन लेना पड़ता है। तो वो एक अलग से इंजेक्शन, बूस्टर डोज लेना पड़ता है, वो हम लोगों को गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मिलता है। अदरवाइज अगर आप प्राइवेट में जाओगे तो वो काफी महंगा आता है। क्लियर है? यस ओके, तो वो काफी महंगा आता है। तो दैट इज द रेबीज। और पता कैसे चलेगा कुत्ता पागल है कि शरीफ है? हाँ, मतलब ज्यादा सलाइवा गिरता है अगर तो आप आ गए। अरे ऐसा नहीं है कुछ, मतलब ह्यूमन जैसा बोल रहे हो आप। मतलब आई मुझे पता नहीं सर, मुझे तो नॉर्मली क्या होता है कि इफ यू सी द डॉग, ठीक है, द मेंटल डॉग ना, तो दे आर व्हाट दे हैविंग अ ये अपना हाइड्रोफोबिया, उनके में हाइड्रोफोबिया होता है। तो इसलिए पुराने जमाने में लोग क्या करते थे, अगर किसी कुत्ते ने काटा तो कुत्ते को पानी पिलाते थे। अगर वो कुत्ता पानी देख के भागता था तो समझ जाते थे कि ये कैसा कुत्ता है, पागल कुत्ता है। क्लियर? तो दे हैव हाइड्रोफोबिया, अंडरस्टूड? एंड सर, डॉग काटता है तो उसके बाद जब अगर वैक्सीन लेट लेते हैं तो फिर कैसा है कि ये खाने या पानी की तरफ देख के इंसान खाता नहीं, पानी नहीं पीता है ना, तो वो क्यों होता है? तो वही ना, वो हाइड्रोफोबिया जो ये है ना, तो इंसान में भी कभी कभी हाइड्रोफोबिया दिखाई देता है, दैट इज द हाइड्रोफोबिया। जब जब जंगली कुत्ता काटता है, राइट? पागल कुत्ता काटता है, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट नेक्स्ट इज द डेंगू। डेंगू, यू नो अबाउट द डेंगू वायरस, इट हैपेंस ड्यू टू द डेंगू वायरस। इसके लिए कौन मॉस्किटो सा मॉस्किटो, देयर इज द एडीस इजिप्टी। क्या? एडीस एडीस इजिप्टी, ये पूरा नाम है इसका। एडिस के आगे ये आता है, ठीक है, एडिस के आगे क्या आएगा, इजिप्टी। सो दैट इज दिस थिंग, सो दैट इज द मॉस्किटो बाइटिंग। नेक्स्ट इज द इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा किसकी वजह से होता है? इन्फ्लुएंजा वायरस। तो इसमें कफिंग आता है, स्नीजिंग आता है, यू नो ना। आजकल देखो हम लोग भीग जा रहे हैं तो दूसरे दिन से ही अपने को इन्फ्लुएंजा हो जा रहा है। फिर वी थॉट दैट कि अरे कोरोना हो गया क्या, कोरोना हो गया क्या, कोरोना के लिए जाते हैं, फिर देखते हैं कि कोरोना अपना निगेटिव आ गया, खुश हो जाते हैं, चलो ठीक है, कोरोना अपने को नहीं हुआ है ना। नेक्स्ट मीजल्स। मीजल्स दैट इज दैट हैपेंस ड्यू टू द व्हाट, रेबीओला वायरस, दैट हैपेंस ड्यू टू ड्रॉपलेट। मीजल्स में क्या होता है, यू नो, अपनी जो पूरी बॉडी रहती है, पूरी बॉडी पे रेड 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 पैचेस आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? रेड रेड पैचेस आ जाते हैं, ठीक है। तो अपनी पूरी बॉडी पे ये होता है। तो फिर जैसे कैसा एलर्जी होता है ना किसी चीज की, जो एलर्जी होती है, तो इट लुक्स लाइक दैट। तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज मीजल्स। मीजल्स के बाद जर्मन मीजल्स है। जनरल मीजल्स इज हैपेंस ड्यू टू द रूबेला वायरस इटसेल्फ, सो दैट हैपेंस ड्यू टू द क्लोज कॉन्टेक्ट। नेक्स्ट इज द मम्स। मम्स में क्या होता है, यू नो, गलफुगा रोग बोलते हैं इसको। हाँ सर, गाल वगैरह फूक जाते हैं। गाल हैं। जो होता है फूक जाता है, तो इट अफेक्ट व्हाट, इट अफेक्ट विच ग्लैंड, इट अफेक्ट पैरोटिड ग्लैंड। तो सिर्फ क्या अफेक्ट करता है, पैरोटिड ग्लैंड। तो दैट हैपेंस ड्यू टू द व्हाट, द मम्स वायरस, एंड दिस इज एयरबॉर्न ड्रॉपलेट। एंड ये जो है मम्स है ना, तो ये मम्स नॉर्मली ऑर्किटाइटिस में भी होता है। किसमें होता है? ऑर्किडाइटिस में। व्हाट इज ऑर्किडाइटिस?
अभी तो ऑर्किडाइटिस, व्हाट इज द ऑर्किडाइटिस सर? ऑर्किड प्लांट को मतलब छूने से इंफ्लेमेशन होता है वैसे टाइप का? क्योंकि सर ऑर्किड दिया है ना, फिर ऑर्किड मतलब वो प्लांट है और आइटिस मतलब इंफ्लेमेशन, इससे वही लॉजिक से थोड़ा सोच के बोला। प्लांट को इंफ्लेमेशन होना चाहिए ना सर, इन्फेक्शन ऑफ टेस्टिस। गुड, तो और जब मैंने आप लोगों को बताया था रिमूवल ऑफ टेस्टिस, तो मैंने आप लोगों को बताया था ना ऑर्किड एक्टॉमी बोलते हैं उसको, पता है कुछ? अनडिसेंडेड टेस्टिस पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, बच्चों को कभी कभी टेस्टिस नीचे नहीं आता है, तो टेस्टिस को ऑर्किड बोलते हैं। उस समय भी मैंने आप लोगों को दूसरा नाम बताया था, पता नहीं आप लोगों ने लिखा कि नहीं लिखा, नहीं लिखा रहेगा तो बोलो तो सर ने पढ़ाया था। ओके, सो दैट इज द व्हाट इन्फ्लेमेशन ऑफ व्हाट टेस्टिस इज आल्सो कॉल्ड द ऑर्किडाइटिस। तो नॉर्मली जो ऑर्किडाइटिस होता है ना, ऑर्किडाइटिस का सीधा कनेक्शन मम्स से होता है, ठीक है? तो ये हमेशा याद रखो क्या होता है नॉर्मली, अपने जो बॉडीज होते हैं, अपने बॉडीज में जो लिम्फेटिक सिस्टम्स होते हैं ना, ये लिम्फेटिक सिस्टम जानना अपने लिए बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर आपको पता है कि ये बॉडी का कनेक्शन ये बॉडी के साथ है, तो देखो किसी को अगर कैंसर हुआ, तो अगर किसी को टेस्टिस का कैंसर है, तो मेरे को सबसे पहले किसको, किस ऑर्गन को देखना चाहिए? आई विल सी पैरोटिड ग्लैंड। हाँ सर, क्योंकि वो ऑर्किड का कनेक्शन किसके साथ है? पैरोटिड ग्लैंड के साथ में है ना, तो मेरे को उसको देखना पड़ेगा, ठीक है? वहां पे भी कैंसर के जो मेरा मेटास्टेसिस वहां पे तो स्प्रेड नहीं हुए हैं, तो ऐसे होता है जैसे लंग्स है, लंग्स से लीवर में जाता है, लीवर है, लीवर से लंग्स में जाता है, ठीक है? ऐसे पूरे बॉडी में घूमता है, तो ऐसे ये भी है। नेक्स्ट है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स हैपन विद द वेरिसेला जॉस्टर। तो हर्पी जॉस्टर मैंने बताया था आपको, ठीक है? हाँ, तो ये जो स्मॉल पॉक्स चिकन पॉक्स होता है, ये क्या होता है, लाइफ में एक ही बार होता है। फिर इसके जो वायरसेस होते हैं, ये जाकर के आपके रीढ़ के हड्डी में मतलब कि वर्टिकल कॉलम में चिपके बैठ जाते हैं, और वो पूरे जिंदगी भर इंतजार करते हैं कि इसका इसका क्या, इसका इम्यूनिटी कब कम होगा। जैसे उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हर्पीस जॉस्टर। दैट इज द एयर बॉर्न ड्रॉपलेट एंड दैट इज द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। पोलियो, पोलियो से स्मॉल पॉक्स की वजह से ही होता है वो, आपने बोला रीढ़ की हड्डी में। वो क्या होते हैं, वो डायरेक्टली सिम्टम्स दिखाते हैं, और वो क्या करते हैं, वो आपके रीढ़ की हड्डी में छुप के बैठे रहेंगे जब तक आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, वो आपको कुछ भी नहीं करेंगे। जब आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, देन दे केम आउट और फिर अपना रंग दिखाना चालू करेंगे। तो पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हर्पीस जॉस्टर एंड इन दी हर्पीस जॉस्टर पेशेंट है ट्रेमेंडस इचिंग एंड पेनफुल, इट इज सो पेनफुल, ठीक है? और अगर आप टाइम होता है ना वो स्मॉल पॉक्स वाला, नहीं नहीं, ये स्मॉल पॉक्स में जो होता है तो छोटे छोटे बॉइल्स टाइप में होते हैं, वो बाद में चले भी जाते हैं, ठीक है? ड्यू टू द हाइजेनिक, अगर आप हाइजेनिक मेंटेन करते हो तो। इसीलिए देखो क्या होता है, जो छोटी माता बड़ी माता ये सब बोली जाती है ना, तो इसका क्या क्या रिलेशन है, इसका रिलेशन हाइजीन के साथ है। इसलिए लोगों ने इसको किसके साथ जोड़ दिया है, गॉड के साथ जोड़ दिया। बोलते हैं ना छोटी माता आई है, इसको पैर से मत छुओ, इसको अच्छा हाँ। अच्छा खाने को दो, छह सात दिन बाद छोटी माता जाएंगे, छोटी माता खुश हो गई। हाँ, तो इसको छोटी माता से क्यों जोड़ा गया है, इसको गॉड से क्यों जोड़ा गया है? कि अगर गॉड, अभी देखो कैसा होता है, आप स्कूल में रोज बिना नहाए चले जाते हो, ठीक है? कहीं पे भी बिना नहाए चले जाते हो, लेकिन अगर किसी दिन मंदिर में जाना है या किसको जो जहाँ जहाँ पे भी जाता है वहां पे जाना रहे, तो आप क्या करोगे? हम नहा के जाते हैं। तो मतलब नहा के जाते हो भले 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो, ठीक है? तो इसलिए इसको ने क्या किया, पुराने लोगों ने गॉड के साथ जोड़ दिया, ताकि वो हाइजीन जो है 8-10 दिन तक मेंटेन रहे, और वो पर्सन जो हुए सफरिंग फ्रॉम द स्मॉल पॉक्स चिकन पॉक्स, ही विल मेंटेन होल हाइजीन, ठीक है? प्योर हाइजीन ही से थी। तो उसके बाद 8-10 दिन में ये वायरल डिजीज है, वायरल डिजीज विल टेक 8-10 डेज फॉर ये क्योर। पोलियो वायरसेस, फिर दैट हैपेंस ड्यू टू द फीसेस एंड एयर, मैंने आप लोगों को बताया था पोलियो वायरस किसके एनस के थ्रू जाता है, एनोरेक्टल रूट, बताया था। हाँ, तो अब देखो पहले क्या होता था, पहले लोग स्टूल करने जाते थे, कहाँ जाते थे? ओपन में, ओपन में जाते थे, जंगल में जाकर के किसी ने स्टूल पास आउट कर दिया, हो सकता है कि इसको स्टूल में क्या है, पोलियो का वायरस है, और बाद में स्टूल ड्राई आउट हो जाएगा, ड्राई होने के बाद पूरा मिट्टी में मिल जाएगा, और मिट्टी में मिलने के बाद वो पूरा जंगल में उड़ने लगेगा ना। हाँ, और उसके बाद फिर से क्या, अभी कहीं जमीन पे पड़ा हुआ है और वहां पे कोई दूसरा पर्सन आ गया, और दूसरा पर्सन आकर के वहां पे स्टूल पास कर रहा है, एंड इट विल कम कॉन्टेक्ट विद दैट सॉइल, मतलब नियर द सॉइल, ठीक है? तो हो सकता है कि वो पोलियो वायरस एनएस के थ्रू कहाँ पे चला जाए, दूसरे पर्सन में चले जाए, एंड दैट पर्सन विल बी सफरिंग फ्रॉम द पोलियो, यू नो ना?
पोलियो इज नॉट इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया, ठीक है, पर जो भी है फिर भी आजकल पोलियो के कुछ कुछ केसेस आपको देखने को मिलते हैं. चिकनगुनिया, चिकनगुनिया इज ऑल्सो हैपेंड बाय द चिको वायरसेस, दैट इज हैपेंड बाय द एडिस मॉस्किटो बाइटिंग. Next is the avian flu, that is H5N1 virus. आपने इजिप्ट लिखा वो क्या है? एडिस इजिप्टी उसका पूरा नाम है, एडिस मॉस्किटो का. तो एवियन फ्लू, एवियन फ्लू का क्या है पैथोजन? H5N1, जैसे H1N1 स्वाइन फ्लू का है वैसे ये है. सो दैट हैपेंस विद द ड्यू टू द कॉन्टेक्ट विद द इन्फेक्टेड पोल्ट्री और एयरबोर्न स्प्रे. H1N1 वायरसेस वेन हम लोगों का जब 12वीं हुआ था 2009 में, उस समय काफी तेजी से फैला था स्वाइन फ्लू. उस समय भी कॉलेज को बंद करना पड़ा था 2-3 महीने के लिए, लेकिन 2-3 महीने में पूरा का पूरा सेटल डाउन हो गया. कोरोना वायरस की तरह इतना बड़ा ये नहीं निकला, तो स्वाइन फ्लू उस समय भी आया था. सो दैट हैपेंस विद द कॉन्टेक्ट विद द पिग, कफ एंड द स्नीजिंग एंड इन्फेक्टेड पर्सन. ठीक है, तो एवियन फ्लू का एवियन इसलिए क्योंकि वो क्या होता है, इन्फेक्टेड पोल्ट्री से फैलता है वो. तो पोल्ट्री मतलब जैसे चिकन आ गया वगैरह, तो मोस्टली ये जो होता है चिकन एग से ही होता है. ठीक है, और दूसरा है अभी जैसे आप लोगों को एग्जाम में आ सकता है कोरोना के बारे में. ठीक है, तो जो कोरोना है उसका नाम कोरोना नहीं, पहली बार सॉरी, कोविड. उसका नाम क्या है? कोविड-19. उसका पूरा नाम क्या है? कोविड-19. सो कोविड-19 का फुल फॉर्म क्या है? कोरोना वायरस डिजीज. ठीक है, कब आया था? 2019 में आया था. तो कोविड-19 पैथोजन क्या है? पैथोजन है SARS-CoV, ठीक है, और यू कैन से कोरोना वायरस. तो कोरोना वायरस क्या है? कोरोना वायरस इज अ पैथोजन. ठीक है, और ये इसका क्या है? इट इज एयरबॉर्न डिजीज है. क्या है? एयरबॉर्न डिजीज है. ठीक है, तो ये क्या है? It is a communicable disease, and it harms the respiratory system. Please write it down. और इसका एक फोटो ग्रुप में डाल दो ताकि नेक्स्ट लेक्चर में जो भी इसमें मिस किया हुआ है तो हम उसको भी कर सकते. COVID-19 contagious में डाल सकते हैं इसको. कंटेजियस ही है ना? हाँ सर, वो कम्युनिकेबल तो मतलब वही हो गया. आपने कम्युनिकेबल डिजीज के बाद क्या लिखा? सब डाल दिया. तो इट हार्म्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम. Done everyone? Done sir. Okay sabka? Okay. हाँ. So इसमें कुछ सारे ये हैं images हैं, तो images देख लो, then we'll start with the MCQs. So that is the bacillary dysentery का क्या है? Bacillary dysentery का Shigella species. This is a Shigella that happens to the contaminated water. If you want to prevent that things, so you have to take bacillary water or any water. Plague is also called as the black death. Exam में या supply exam में तो आप लोग इसको लिख लो. Plague is also called as black death. ठीक है, तो plague is pathogen. क्यों? ये कब आया था? ये 2020 चल रहा है ना, तो 1918 में आया था, 100 साल पहले. ठीक है,
200 साल पहले, तो फिर ये पैथोजन है ब्लैक डेथ, तो उसमें भी ब्लैक डेथ क्यों बोला जाता है इसको? मैकेनिस्म ये क्या होता है, नेक्रोटाइज कर देता है ना बॉडी पार्ट को, क्या करता है नेक्रोसिस कर देता है, तो नेक्रोसिस मतलब कि दैट पार्ट कन्वर्ट टू इनटू द ब्लैक ना है, जो इसका ब्लैक डेथ। ब्लैक किस वजह से हुआ था? सर वो ऑर्गन फेलियर होता है क्या? रेड की वजह से हुआ था ना? नो दैट इज व्हाट, ये जो ये ब्लड ट्रांसमिशन होता है, ब्लड ट्रांसमिशन कम हो जाता है, इट रिड्यूस द ब्लड ट्रांसमिशन, ड्यू टू दैट द ऑर्गन अफेक्टेड एंड इट विल नेक्रोटाइज। सो नेक्स्ट इफ यू सी द डिप्थेरिया, डिप्थेरिया में मैंने आप लोगों को बताया था ना, कैन यू सी इसका टॉन्सिल दिख रहे हो बच्चे का? यस सर, खोला हुआ है ना, तो इसका टॉन्सिल देखो इतना बढ़ गया है, तो इसमें कुछ जाने का रास्ता दिख रहा है उसके मुंह के अंदर? नहीं सर, टॉन्सिल की बात आ गई नहीं है। सो द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द डिस्फेजिया, कुछ भी खाएगा तो उसको काफी ट्रिमेंडस पेन होगा, ठीक है? सो दिस इज अ डिप्थेरिया दैट हैपेंस विद द कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थेरिया। तो फिर टॉन्सिल्स निकालते हैं? टॉन्सिल्स नहीं निकालते हैं, इसमें मेडिसिन देते हैं, ये देते हैं, वो देते हैं, अगर कुछ नहीं होता है तो टॉन्सिल्स निकालना पड़ता है। सो दिस इज अ 10-year बॉय विद सीवियर डिप्थेरिया, इसमें कंजंक्टिवाइटिस दिखता है, फेरिंजियल मेम्ब्रेन दिखता है, बुल नेक दिखता है, नेक देखो काफी बड़ा हो गया है, दैट इज फॉर द बुल नेक, एंड सीवियर मायोकार्डाइटिस दिखता है, मायोकार्डाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ कार्डियक मसल्स, एंड ऑल वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। जो जितने भी वैक्सीन वो लोग दैट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, मतलब ये बॉयज जो था वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड था इसको, इसको मतलब वैक्सीन यही नहीं हो रहा था, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड था उसके लिए वैक्सीन। सर ये नॉर्मल टॉन्सिल से अलग होता है ना, जो मतलब नॉर्मली अगर किसी को होता है वो टॉन्सिल से अलग है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, उसको टॉन्सिलाइटिस ही बोलते हैं। Can you see cholera? Cholera is also spread by the Vibrio cholerae. So this is the cholera. Can you see? It has a body. Body के साथ क्या है? There is a flagella. ठीक है? Cholera में इतना ज़्यादा abdominal discomfort होता है, loose motion होता है, ये होता है, तो person becomes so weak. So can you see? Person is so weak. आपको हड्डी और हड्डियाँ देखो उसके दिखाई दे रही है. ठीक है? तो body बना के नहीं बैठा हुआ है, कुछ six packs बना के बैठा हुआ है. तो इतना ज़्यादा weak हो गया है कि इसके सब ribs वगैरह दिखाई दे रहे हैं. Okay? So here if you see the tetanus, tetanus का pathogen क्या है? Clostridium tetani. तो सर ने आपको पढ़ाया होगा प्रितेश सर ने? हाँ, तो मैं भी पढ़ा था। हाँ, तो if you see the this is a rusted nails, ठीक है, अगर इसके धंसने से वजह से अगर आपने 24 आवर के अंदर में टिटी का इंजेक्शन नहीं लिया, so it can cause harm to your body and you know it will utilize maximum calcium from your muscles, सर ने पढ़ाया रहेगा आपको, पता है? तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, और ये आपको कहाँ पे मालूम है? ये आपको लोकोमोशन वाले चैप्टर में है। यस सर, लास्ट ट्यूबरकुलोसिस के लिए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इट इज अ सो बैड डिजीज, ठीक है, जैसा पर्सन दिख रहा है ना, पर्सन इज लुक्स लाइक दैट ओनली, ठीक है, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस में बहुत ही ज़्यादा वेट लॉस होता है, एंड दूसरा चीज है कि ये ट्यूबरक्लोसिस क्या है, कम्युनिकेबल है, सो नो वन पर्सन इज स्टेइंग विथ यू, आपके साथ कोई रह भी नहीं सकता है, तो काफ़ी डेंजरस ये है, ठीक है। सो हैंस इफ एनी पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द ट्यूबरक्लोसिस, सो वी हैव कॉन्शियस द पेशेंट कि फर्स्ट टाइम यू आर सफरिंग फ्रॉम द ट्यूबरक्लोसिस, सो यू शुड टेक द प्राइमरी ट्रीटमेंट और द फर्स्ट लाइन ऑफ द ट्रीटमेंट रिलेटेड टू द ट्यूबरक्लोसिस एंड डोंट स्किप द ट्रीटमेंट। इफ यू वांट टू स्किप द ट्रीटमेंट देन व्हाट हैपन, यू विल सफरिंग फ्रॉम द सुपर बग और द एमडीआर ट्यूबरक्लोसिस, व्हिच इज सो हार्ड टू ट्रीट, दिस इज अ ऊपिंग कफ, कैन यू सी इसका उलवा देखो बच्चे का कैसा हो गया है। तो ऊपिंग कफ इज हैपेंस विद द व्हाट बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस, पर्ट्यूसिस मतलब दैट इज रिलेटेड टू द कफ, तो इतनी ज़्यादा खांसी आती, इतनी ज़्यादा खांसी आती है, सो यू नो इसको ब्लैक खांसी, काली खांसी भी बोलते हैं हिंदी में अगर आप जब देखोगे तो, ऊपिंग कफ को। डन सर।
दिस इज द लेप्रोसिस, कैन यू सी, इसके इस हैंड का आधा आधा उंगली टूट गया है, कैन यू सी. So leprosis happens with due to the what, the mycobacterium leprae. So this kind of the what skin disease you will see in the leprosy. Sir, रास्ते पे लोग रहते हैं उनको ऐसा होता है, मैंने देखा. वो leprosy है. तो ये देख रही हो, इसको neurofibromatosis बोलते हैं. क्या बोलते हैं? Neurofibromatosis. That is the one type of the leprosy. ठीक है. तो उनके पूरे बॉडी में तो ऐसा होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं चर्बी जमा हो गई. क्या जमा हो गई है? चर्बी जमा हो गया, जिसको लाइपोमा बोलते हैं. सो देयर इज अ नो नीड ऑफ एनी ट्रीटमेंट फॉर द लाइपोमा, इट विल नॉट हार्म योर बॉडी. और बॉडी में फैट ज्यादा होने की वजह से जगह जगह पे क्या होता है, लाइपोमा मतलब कि अपना चर्बी की गांठ बन जाती है, जिसको हम लोग लाइपोमा बोलते हैं. ओपा ओमा मतलब क्या होता है? गांठ. लाइपो मतलब क्या होता है? कभी क्योर नहीं होता क्या लाइपोमा? लाइपोमा देखो, आपको अगर एक दो लाइपोमा है तो आप उसको सर्जरी करके क्लियर करवा सकते हो, निकलवा सकते हो. लेकिन अगर पूरे बॉडी में लाइपोमा है तो आप कितनी सर्जरी करवाओगे ना? हाँ, तो इसलिए लोग सर्जरी नहीं करवाते. लाइपोमा का सेकेंडरी इफेक्ट ये होता है कि समटाइम्स ड्यू टू द लाइपोमा देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द क्लॉट, एंड दैट क्लॉट व्हेन गो टू द हार्ट और द ब्रेन, सो इट कैन कॉज द व्हाट, इट कैन कॉज द हार्ट अटैक, इट कैन कॉज द स्ट्रोक. दैट इज द एंथ्रेक्स. सो एंथ्रेक्स इज डन बाय व्हाट? बैसिलस एंथ्रेसिस. ठीक है. इसमें भी काफी बेकार कंडीशन हो जाती है, पूरे बॉडी का रेस्पिरेटरी सिस्टम, अदर सिस्टम. सर वो आपके पास क्या हुआ है? वही, दैट इज द लेप्रोसिस, मतलब कि जो ये एंथ्रेक्स है, तो एंथ्रेक्स का ये क्या है, ये इफेक्ट है. पूरा का पूरा अल्सरेटिव हो गया, पूरा अल्सर हो जाता बॉडी. कैन यू सी, दिस इज अल्सर, यहाँ पे इसको अल्सर हो गया है. सो रेबीज, ठीक है, डॉग ने काट लिया, रेबीज का ये है. So that rabies can affect the brain also. Brain inflammation can happen due to the rabies. Virus transmitted by the saliva through the what? So क्या करते हैं? This is the rabies. So here you can see the what? Glyconucleoprotein. यहाँ पे glycoprotein, matrix protein, and that is the envelope. So this is the what? Rabies. This is the influenza virus. So can you see influenza virus is nothing but it looks like a coronavirus. जब हम लोग बाहर जाते हैं कहीं भी घूम जाते हैं, फिर वी आर सफरिंग फ्रॉम द इन्फ्लुएंजा वायरस, एंड वंस यू वी रीच द होम सो वी स्प्रेड द इन्फ्लुएंजा वायरस टू आवर फैमिली, एंड इट विल टेक अराउंड 7-10 डेज टू केयर. So that is the measles. Can you see the red part body में हो गया, belly extended हो गया है. So this is the measles that happens by the rubella virus. That is the German measles. So नाम क्यों अलग है? ये है. So that happens due to the rubella viruses. And can you see the symptoms are similar. Can you see mumps? Mumps is happens due to the mumps virus. Can you see the cheek of the bad guy? ये ऐसे लटकता है, एंड इसमें ये बड़ा होता है ये, ठीक है. सो दिस इज मम्स, एंड दिस अफेक्ट दी व्हाट? दिस अफेक्ट दी विच ग्लैंड? पैरोटिड ग्लैंड. This is a chicken pox, you know. ये सबको लाइफ में एक बार हुआ ही रहता है. So this is a varicella zoster viruses. यही viruses बाद में क्या होते हैं? छुप के बैठ जाते हैं. And then they cause the herpes zoster. And if you see the herpes zoster भी ऐसा होता है, where they are attached to each other and they will form a ring-like structure. मतलब they will form a ring-like structure in your body. और वो क्या करते हैं, पूरी बॉडी को अगर आपको कवर कर दिया तो मतलब क्या हुआ, आपकी इम्यूनिटी काफी ज्यादा वीक हो जाती है. आपकी इम्यूनिटी क्या हो जाती है? काफी ज्यादा वीक हो जाती है. और वीकर इम्यूनिटी की वजह से क्या होता है, समटाइम देयर इज अ डेथ. कभी देखो क्या होता है, वीक इम्यूनिटी क्यों होती है? इफ एनी पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम दी एड्स, देखो हमेशा एक चीज याद रखो, किसी पर्सन को अगर ट्यूबरक्लोसिस हो रहा है और लेकिन वो पर्सन का कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है या कोई इंफेक्टिव ऐसा बैकग्राउंड है, तो प्लीज हमेशा उसका क्या चेक करने का, एड्स का स्टेटस चेक करने का. बहुत बार ऐसा होता है
जो एड्स के पेशेंट होते हैं उनको पता नहीं रहता उनको एड्स है, लेकिन ड्यू टू द एड्स उनका जो इम्यूनिटी लेवल होता है वो क्या होते जाता है, कम होते जाता है. इम्यूनिटी लेवल कम होते जाता है तो उसकी वजह से दे आर सफरिंग फ्रॉम द सेकेंडरी डिजीज लाइक अ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस और अदर अदर काइंड के जो डिजीज है. ठीक है, सो वी हैव टू चेक दैट ऑल्सो. सो दिस इज द स्मॉल पॉक्स दैट इज हैपेंड बाय द वेरियोला पैथोजन. सो दिस इज द पोलियो वायरस. कैन यू सी बच्चे लोगों का एक पैर पतला हो जाता है, पैर मोटा रहता है. सो दिस इज अ काइंड ऑफ द पोलियो वायरसेस ड्यू टू द पोलियो. बोलते हैं ना पोलियो मार दिया है, पोलियो मार दिया है ना. हाँ सो बचपन बच्चे लोग में होता है, मोस्ट ऑफ लकवा मार देता है. जैसे अगर आप देखते हो कि किसी को ब्रेन स्ट्रोक होता है, ये सब कुछ होता है, तो इन लोगों को क्या रहता है, बहुत सारे बच्चे लोगों को जन्मजात रहता है, बहुत सारे बच्चे लोगों को एक्वायर्ड रहता है. ठीक है, दिस इज अ डेंगू फीवर. यू नो ड्यून द डेंगू फीवर देर इज अ फीवर होता है, हेडेक होता है, रैशेस होते हैं, हाई पेन होता है, ब्लैक पेन होता है, बैक पेन होता है, मसल एक होता है विच इज कॉल्ड द मायल्जिया, ज्वाइंट पेन होता है विच इज कॉल्ड द थ्राल्जिया. एंड यू नो इन द ये डेंगू, डेंगू इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेक बोन फीवर. व्हाई इट इज कॉल्ड द ब्रेक बोन फीवर, मतलब कि जो बोन होता है उसको ब्रेक करने के बाद जो दर्द होता है वही दर्द किसमें होता है, डेंगू में होता है. इट इज कॉल्ड एज द ब्रेक बोन फीवर, कॉल्ड एज ब्रेक बोन फीवर. क्या बोलते हैं इसको, ब्रेक बोन फीवर. अभी ये जो पर्सन है इसको क्या हो गया, इसको कंजंक्टाइवल हेमरेज हुआ है. क्या हुआ है, कंजंक्टाइवल हेमरेज. कंजंक्टाइवल हेमरेज हुआ है. व्हाट इज द कंजंक्टाइवल हेमरेज, यू नो इन द डेंगू देयर इज अ डिक्रीज लेवल ऑफ प्लेटलेट, और प्लेटलेट का लेवल कम हो गया तो क्या होता है, देयर इज अ चांसेस ऑफ हेमरेज. तो इसमें क्या हो गया, सब कंजंक्टाइवल हेमरेज हुआ है. ओके, so this is a chikungunya. Chikungunya is what, that is a pain or arthralgia. You will see the arthralgia in the chikungunya. You see, so jitne bhi joints honge hair joint kya ho jayega, inflamed ho jayega, and pain will see. That is the avian flu. Avian flu, that is H5N1 avian flu viruses. Theek hai, so avian flu iski wajah se hota hai, that is mostly avian ki wajah se hota hai, mostly chicken ki wajah se hota hai. So human will affected. तो इसे स्वाइन फ्लू भी 2009 में आया हुआ था, तो उस समय भी मास्क वगैरह ये सब का काफ़ी ज़्यादा ये हुआ था. सो स्वाइन फ्लू में भी वही सिम्टम्स है अपना, फीवर होता है, लिथार्जी होता है, बैक ऐसा लैक ऑफ एपेटाइट होता है, रनिंग नोज रहता है, सोच रो बैकअप होता है, नोशिया डायरिया वगैरह ये सब होते हैं. ठीक है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्या होगा. ठीक है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं. विल मूव टू द एमसीक्यूज. ओके, यहां तक किसी को कोई डाउट है? नो सर. ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कंटिन्यू विद द पर्सनल हाइजीन. वंस पर्सनल हाइजीन विल टेक प्लेस आई थिंक वन लेक्चर विल गो फॉर एक लेक्चर अपना पूरा ये जाएगा, क्या बोलते हैं, ये इम्यूनिटी कराने में जाएगा. फिर एक लेक्चर में जितने भी अपना वायरस वगैरह है जो ये डिजीज है वो, और लास्ट में एक पैम्पर लेक्चर में, तो अराउंड 3 लेक्चर में अपना ये पूरा चैप्टर वर्क करते हैं. ठीक है, सो आई विल शेयर द स्लाइड. आप लोगों के पास आप लोगों का एमसीक्यूज है, तो प्लीज ओपन द मॉड्यूल, फिर हम चालू करते हैं. आप लोग ही क्वेश्चन पढ़ोगे और आप लोग ही सॉल्व करने वाले हो. ठीक है, चालू करें. हाँ सर. यस. सो इफ यू सी द इवैल्यूएट योरसेल्फ, अगर आप लोग इवैल्यूएट योरसेल्फ देखोगे तो सबसे पहले अपने आप को इवैल्यूएट कर लेना चाहिए आप लोगों को. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का इवैल्यूएट योरसेल्फ में अगर फर्स्ट क्वेश्चन देखो, पहले मैं टॉपिक में बताऊंगा फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर बोला करूंगा. ठीक है, सो इवैल्यूएट योरसेल्फ का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वाटर ऑफ प्रिमिटिव ओशियन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ओरिजिन लाइफ हैज बीन कॉल्ड हॉट डाइल्यूट सॉप सूप सूप लाइक थिंग्स ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस बाय, किसने बोला था ऐसा, किसने बोला था, मिलर सर, ओपेरन और हेल्डाने में से कोई था, कौन था वो, तो हेल्डन था. कौन था, हेल्डन था ना, हेल्डन ने बोला था ना, The water of primitive ocean during the time of origin has been not, that is a half dilute soup. तो ये substance जो line किसने बोली है, ये line
किसने बोली है? हेल्डन ने बोली है. किसने बोली है? हेल्डन. थर्ड वाले पे आ जाओ. थर्ड वाला क्या है? रीड थर्ड वन. सो अ बायोजेनेसिस फर्स्ट, द बायोजेनेसिस एवर सिंस, ये किसने बोला था? लुईस पाश्चर. किसने बोला था अबायोजेनेसिस के बाद ही बायोजेनेसिस आया? स्टेनले ओपेरिन मिलर. ओपेरिन ने बोला था ना? हाँ. आप लोग रिवाइज नहीं किया क्या? दैट इज टोल्ड बाय व्हाट? ओपेरिन. ठीक है. नेक्स्ट अगर आप लोग देखोगे फिफ्थ वाला जो है, मिलर सिंथेसाइज सिंपल अमीनो एसिड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर इन हिज एक्सपेरिमेंट. उनके एक्सपेरिमेंट में क्या क्या था? CH4NH3H2. बी ऑप्शन. पहला वाला ऑप्शन क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें कार्बन नहीं है. क्या नहीं है? कार्बन और अमोनिया. हाँ. तीसरा वाला ऑप्शन देखोगे तो उसमें क्या नहीं है? अमोनिया. अमोनिया नहीं है. हाँ. और नेक्स्ट वाला अगर ये वाला देखोगे तो H2 नहीं है. कार्बन डाइऑक्साइड है. नहीं, उसमें हाइड्रोजन नहीं है. ठीक है. तो क्या है इसका ऑप्शन? ऑप्शन इज 2. ठीक है. सेवंथ पे आ जाओ. Which of the following played and a very important role in the prebiotic evolution? CH4 methane. Third option. तो मैंने आप लोगों को बोला था उसमें क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था. कार्बन नहीं था. कार्बन नहीं होने की वजह से क्या था? टेम्परेचर काफी कम था. और टेम्परेचर कम होने की वजह से क्या था? बनने लगा. टेम्परेचर कम होने की वजह से क्या? सब आईसी आइस था ना हर जगह पे. तो वहाँ पे ह्यूमन बींग कहाँ से आते थे? तो इसलिए क्या हुआ कि कार्बन मीथेन आया. मीथेन से कार्बन डाइऑक्साइड आया. कार्बन डाइऑक्साइड से टेम्परेचर क्या हुआ? बढ़ा. और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या हुआ? वाटर वोटर ये सब आए ना, तो लाइफ एक्सिस्टेंस हुआ. ओके. नाउ रीड द 10th वन. लाइफ कैन नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल ऑन प्रेजेंट अर्थ बिकॉज high environmental pollution, large amount of O2 in environment na. Okay. Page kaun sa hai? Ye apna evaluate yourself ka jo hai. 3. Theek hai. Abhi is samay pe earth mein kahin pe bhi aisa ho sakta hai kya? Matlab inorganic material se life ho? नहीं. नहीं हो सकता है. पहले ये सब हो सकता था. क्यों? बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ व्हाट? O2. अगर आप O2 देखोगे तो O2 इज व्हाट? 18% ना. 18% है ना इस समय O2. हाँ. नाउ कम टू दी अपना इवेल्युएट योरसेल्फ का थर्ड पे आ जाओ. थर्ड क्वेश्चन क्या है? Flipper of cells are modified into flipper four limb. क्या हुआ था? It is modified into four limbs. Fifth question read करो. Convergent evolution of two species are associated with analogous origin. Convergent किसमें था? Analogous origin. Analogous. Convergent था. ठीक है. और homologous में क्या था? Divergent. Divergent. Homologous में divergent था. क्या था? डाइवर्जेंट था. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिविंग फॉसिल? 8. बोलो. इसका आंसर डायरेक्टली लिख लो. दैट इज आर्कियोपटेरिस. इस पे क्वेश्चन आ सकता है. हाँ सर, वो तो मिसिंग लिंक है ना. हाँ. टेंथ क्वेश्चन क्या है? रिकैपिटुलेशन थियरी किसने दिया था? वैलिड. कभी डायरेक्टली तो है कैसे? इसका भी डायरेक्टली है कैसे लिख लो. इवैल्यूएट योरसेल्फ थर्ड में आ जाओ. रीड द फर्स्ट क्वेश्चन. द थियरी ऑफ यूज ऑफ the use and disuse of organ was given by Lamarck ne diya hua tha. Theory of continuity of what germplasm kisne diya tha? August ne diya tha na. Kisne diya tha? August ne diya tha. Okay. Wo spores wala. Ha.
ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखो कि नियो डार्विनिज्म क्या है, नियो डार्विनिज्म किसको हम लोग बोलते हैं, दैट इज द मॉडर्न सिंथेटिक थियरी। जो मॉडर्न सिंथेटिक थियरी था ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नियो डार्विनिज्म। ओके, सिक्स रीड करो। सिक्स पूछ रहा हूँ, फिफ्थ हो तो सिक्स इज व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट नेम इज करेक्टली मैच्ड विथ व्हाट थियरी विच पुट बाय हिम, बताओ।